सुन रे संगी औरत नंगी हो गई तेरी सरकार में। जैसे ही पीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं तो घर बनाए जाते हैं और ताकि परिवार के सदस्य बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरा पार्लियामेंट बन गया तो इसमें गलत बात तो कोई है? यानी एससी एसटी का जो एक धारा थी उसमें सिर्फ तब्दीली की गई थी। तब्दीली का मतलब जानते हैं? फेर बदल। और उस फेर बदल का नतीजा ये था कि आपने देखा अगर संविधान बदलने की बात आई तो हम क्या मर गए हैं? उस रिएक्शन से फिर पता लगाया जाता है आप लोगों के, आप कितने सोए हुए हैं, कितने जगे हुए हैं। तो 2 अप्रैल क्या भूल गए हैं क्या अभी वो? 2 अप्रैल तो उनकी 4 पुस्तें नहीं भूल सकती। आप इनकी बात कर रहे हो। हाईलाइट करने के लिए, आम होने के लिए, खास होने के लिए आम से इस तरह की बातें करते रहते हैं, उनकी क्या औकात यार। वो अभी तो हमने यहाँ चलना सीखा है, जब हम पे जवानी आएगी तो हम भी दिखाएंगे कि जवानी क्या होती है। क्योंकि किसी ने कहा है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कहाँ से सुना आपने कि संविधान बदलने वाला है? रोज टीवी पे आ रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। और आपका पार्लियामेंट बदल दिया, संसद भवन बदल दिया। जब परिवार बड़ा होता है तो घर दूसरे बनते हैं। एक ही घर में 4-5 पीढ़ी नहीं रह सकती। जैसे ही पीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं तो घर बनाए जाते हैं और ताकि परिवार के सदस्य बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरा पार्लियामेंट बन गया तो इसमें गलत बात तो कोई है? तो दूसरा संविधान भी हो जाना चाहिए फिर। क्यों दूसरा संविधान क्यों होना चाहिए? संविधान तो एक है। खाना पीना परिवार बढ़ रहा है ना सर, खाना पीना तो एक ही है ना भाई। मकान ही तो बदला है, खाना पीना तो एक ही रहेगा। संविधान बदलने की जो आपको जिसने बहकाया, जिसने आपको दुष्प्रचार किया, झूठा प्रचार किया, आप लोग ये बताइए कि जब आपके एक आर्टिकल संविधान के एक अनुच्छेद यानी एससी एसटी का जो एक धारा थी उसमें सिर्फ तब्दीली की गई थी। तब्दीली का मतलब जानते हैं? फेर बदल। और उस फेर बदल का नतीजा ये था कि आपने देखा अगर संविधान बदलने की बात आई तो हम क्या मर गए हैं? मर गए हैं क्या? हम किसको लगता है हम मरे हैं? अभी हम जिंदा हैं और हम जिंदा हैं बाबा साहब की एक एक बाबा साहब की एक एक लाइन में, बाबा साहब की एक एक बात में। पर वो बाबा साहब को तो डिनाई कर रहे हैं ना। देखिए डिनाई कर रहे हैं तो बाबा साहब को भी डिनाई कर रहे हैं। वो आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं कि अगर हम इस चीज को छोड़ के देखें, इस सुफुकता को छोड़ के देखें, इनका रिएक्शन क्या होता है। उस रिएक्शन से फिर पता लगाया जाता है आप लोगों के, आप कितने सोए हुए हैं, कितने जगे हुए हैं। तो 2 अप्रैल क्या भूल गए हैं क्या अभी वो? 2 अप्रैल तो उनकी 4 पुस्तें नहीं भूल सकती। आप इनकी बात कर रहे हो, 4 पुस्तें नहीं भूल सकती। और ये दावा है कि एक गाना सुना है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है प्यार और भी गहरा हुआ है। तो जब जब इन्होंने संविधान को छेड़ने की या बाबा साहब की किसी भी बात पर या बाबा साहब के किसी भी अनुच्छेद पर या बाबा साहब की किसी भी उस पर इन्होंने छेड़ाखानी करने की बात की है या माइनस में बात करने की बात की है तो उन्हें मुँह तोड़ जवाब मिला है। हाँ, इन्होंने बाबा साहब का नाम लेकर प्लस पॉइंट तो बहुत किए हैं। क्योंकि कभी मैंने यहाँ जब बाबा साहब के वो पुरानी कोठी थी यहाँ, तब भी मैं यहाँ गाता था और फिर अब तो ये आलीशान बन गया है। तो आप इसको भी देखें, उन्होंने घटा नहीं है। ये भी राजनीति हुई है, राजनीति तो हुई है क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ही इसका सारा सब कुछ क्रियाकलाप हो चुका था। ये तो बीजेपी सरकार ने उसको अमली जामा पहनाया है। बीजेपी 2024 में दोबारा आएगी तो संविधान को बदलेगी, तो आप क्या करोगे फिर? क्या बात कर रहे हो कि बदलेगी? जिस दिन किसी व्यक्ति ने ये खुलकर घोषणा कह दी कि हम संविधान को बदलेंगे या बदल दिया है, घोषणा कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो छुप के कहते हैं, वो सिर्फ आपसे मजाक करते हैं, आपको देखते हैं, आपके चलने फिरने इस बात को देखते हैं। जिस दिन किसी ने कह दिया ना, उसके 24 घंटे बाद हो सकता है कि वो ना रहे, हो सकता है वो ना रहे प्रधानमंत्री जो कहने वाला है कि संविधान को बदलेंगे। अभी प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार ने यही बात कही है, तो फिर क्या कर रहे हैं आप? सलाहकार तो ऐसे कितने सलाहकार हैं? नहीं, ऐसा कोई देखिए खा रहे हैं वो तो। ऐसे सलाहकार अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, आम होने के लिए, खास होने के लिए आम से इस तरह की बातें करते रहते हैं, उनकी क्या औकात यार। वो कितने आप गाने के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइनें हो जाए। सुन रे संगी औरत नंगी हो गई तेरी सरकार में। सुन रे संगी औरत नंगी हो गई तेरी सरकार में। जब से बैठा
तू गद्दी पर मानवता लुटी बाजार में, जब से बैठा तू गद्दी पर मानवता लुटी बाजार में। सुन रे संगी, औरत नंगी हो गई तेरी सरकार में, बेटी बचाओ दे के चुनौती तूने ये क्या कर डाला, धर्म को तूने करके आगे बीज नाशिका बो डाला। बेटी बचाओ दे के चुनौती तूने ये क्या कर डाला, धर्म को तूने करके आगे बीज नाशिका बो डाला। सुन रे संगी, औरत नंगी हो गई तेरी सरकार में, जब से बैठा तू गद्दी पर मानवता लुटी बाजार में, जब से बैठा तू गद्दी पर मानवता लुटी बाजार में। बहुत बढ़िया। अपने सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा, आपका सिर्फ और आपका एक ही मीडिया है और वो ये बहुजन लोगों का जो मीडिया है, चाहे वो YouTube के माध्यम से है, Facebook के माध्यम से है, Twitter के माध्यम से है, यही आपका मीडिया है, यही आपको सच दिखा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। इसलिए आप उन चैनलों को ना देखकर अपने घर में उनको सैटेलाइट के चैनल हैं उनके सेटअप बॉक्स उखाड़ फेंकें, उनको रिचार्ज भी ना कराएं, आप सिर्फ YouTube देखें। YouTube पर जितने भी हमारे जितने भी ये चैनल हैं और भी जितने भी हैं, दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर जितने भी और चैनल हैं उनको देखें और सच्ची खबर आप तक मिलेगी कि देश के हालात क्या हैं। हमेशा दौर एक सा जैसा नहीं रहता है, ये बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। कभी बीजेपी सरकार को यहाँ तक आने में कम से कम 90 साल लगे हैं और 90 साल में यहाँ पहुँची है, और हमने तो अभी चलना सीखा है, अभी तो हमने यहाँ चलना सीखा है। जब हम पे जवानी आएगी तो हम भी दिखाएंगे कि जवानी क्या होती है, क्योंकि किसी ने कहा है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो ज़्यादा ना कहकर इतना ही कहूँगा कि जो आपसे कहते हैं कि संविधान को बदलेंगे, वो आपको बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, उनकी औकात नहीं, उनकी इतनी सी विसात नहीं, ये तो कह के वो अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, चमकाने की कोशिश करते हैं।